बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल लिक्विड डोसे बनने वाली रोल और समोसा पट्टी की रेसिपी, और कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप भी बना सकेंगे इसको बिल्कुल परफेक्ट और बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर रोटी बेले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो रोल समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम लिक्विड डो प्रिपेयर करेंगे। लिक्विड डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, जो कि मैंने लिया है 250 ग्राम, मतलब कि एक पाव। अगर हम इसे मेजर करें कप्स में तो यह है 2 कप, और इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था। इसको मैं बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करी हूँ, और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक डालेंगे आधा चाय का चम्मच। नमक डाल के मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसमें हम कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 2 अदद अंडे की सफ़ेदी इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें जर्दी नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ सफ़ेदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डाल देंगे इसमें। तो ये अंडे की सफ़ेदी मैंने शामिल कर दी है इसमें। अब इसमें जाएगा पानी, तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि है अभी 1 कप। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी मैं, और कितना मैं डालूँगी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जितना हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप पानी में से मैंने थोड़ा सा उठा लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तेल, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसे हमने मिक्सर की मदद से बीट करना है। तो इसको हम हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरीके से बीट करते जाएंगे, और इसका हमने एक डोसा बनाना है लिक्विड, जो कि बहुत ज़्यादा ना तो थिन हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो। अभी आप डो की पोजीशन देख सकते हैं, थोड़ा सा ये थिक है। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इस डो को बहुत अच्छी तरीके से आपने बीट करना है इस हैंड विस्क की मदद से ही। तो ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। और इसमें मैंने जो पानी ऐड किया है वो तकरीबन किया है 1 कप प्लस 1/4 कप, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। तो इस डो को हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे, फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे रोल रैप्स बनाने के लिए मैंने स्टीमर की छन्नी ले ली है, और इस छन्नी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्योंकि इसमें होल होते हैं और लिक्विड डो से हम बनाएंगे, तो इसको हम किस तरह से यूज़ करें, तो मैं यहाँ पे सीलिंग शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको ईज़िली मिल जाती है मार्केट में, लेकिन आप थोड़ी सी मोटी वाली क्वालिटी की लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की। और इसको हम इस तरह से रैप कर देंगे, क्योंकि ये हीट प्रूफ होती है, तो ये ख़राब नहीं होगी, पिघलेगी नहीं, कहीं से फटेगी नहीं हीट से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको रैप कर दिया है। अब इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने चूल्हे पे नीचे पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है, और पॉट में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाला था, और ऊपर इस तरह से हम छन्नी रख देंगे उलट के, और इसको सीलिंग शीट से मैंने ऑलरेडी कर दिया है कवर। अब हम इसमें डालेंगे लिक्विड डो, तो 1/3 कप के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें इस लिक्विड डो को, और एक थिन सी लेयर बनाएंगे हम इसकी। तो स्पैचुला की मदद से इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। तो जितनी बड़ी आपकी स्टीमर की छन्नी हो, या फिर जितने बड़े आपको रैप्स बनाने हों, उस हिसाब से आप छोटे बड़े रैप्स को बना सकते हैं, और उतना ही आप डो को डाल के फैला सकते हैं। तो इस लिक्विड डो को डालने के बाद मैंने स्टीमर पे अच्छी तरीके से इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। इसको फैलाने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देखें, मैं इसको इस तरह से रोटेट भी करती जा रही हूँ। अभी ये देखें, बीच में से ये कच्चा है, और अभी हम वेट करेंगे जब तक कि ये फुली डन नहीं हो जाता और इसके किनारे कुछ छूट नहीं जाते, जब तक कि हम इसको टच नहीं करेंगे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं, और इसको हम रिमूव करने लगे हैं। तो ये देखें, बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ हमारी रैप बन के तैयार हुई हैं, और इसको हम निकालते जाएंगे और हल्का सा इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे ऑयल, ताकि ये ड्राई ना हो। तो इसको आप निकाल लीजिएगा पार्चमेंट पेपर के ऊपर, और बाकी की भी हम इसी तरह से और तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैं टिश्यू पेपर की मदद से लगा रही हूँ ऑयल, और इसको ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर फिर दोबारा से हम डालेंगे इस लिक्विड डो को। तो सेम पैटर्न रखते हुए तमाम रैप्स को भी हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगी आपकी भी रैप्स। और ये लीजिए, हमारी बेहतरीन सी तमाम रैप्स बनके तैयार हैं।
तो इन तमाम रैप्स को मैंने एक एक करके पार्चमेंट पेपर के ऊपर निकाल लिया है। और ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया है और हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था ताकि ये ड्राई ना हो। तो ये एक बेसिक रैप की रेसिपी है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स को डाल के रैप्स कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है रमज़ान के हवाले से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और फीडबैक हमेशा की तरह मुझे लाजमी दीजिए। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।